পেট্রোল পাম্পে কর্মচারীদের উপর হামলার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের উপর। আসানসোলের আশ্রম মোড়ে অবস্থিত ভেটেরান পেট্রোল পাম্পে কিছু লোক পেট্রোল পাম্পের কর্মচারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, এমনকি তাদের সাথে হাতাহাতি করার অভিযোগ উঠে স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীদের উপর। পুরো ঘটনাটি পেট্রোল পাম্পে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে এবং পেট্রোল পাম্পের কর্মচারীদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছে বলে জানান পেট্রোল পাম্পের মালিক। INTTUC শ্রমিক নেতা রাজু আহলুওয়ালিয়া জানিয়েছেন, এই পেট্রোল পাম্পে যেসব কর্মচারীরা কাজ করে তারা গরিব পরিবার থেকে এসেছেন। তারা নিজেদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য পেট্রোল পাম্পে কাজ করেন, কিন্তু দেখা যায় প্রায়ই কিছু লোক এসে পেট্রোল পাম্পের কর্মচারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এমনকি পেট্রোল পাম্পে কর্মরত মহিলারাও মহিলা কর্মচারীদের সাথে হাতাহাতি করে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের সঙ্গে কেউ দুর্ব্যবহার করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। তিনি জানান, এ ঘটনার তথ্য সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটককে দেওয়া হয়েছে। घटना ये हुआ कि हम लोग अपना नोजल मैन काम करते हैं, तेल देते समय अचानक वो लोग पूछने लगा कि हम पहले आए कि वो आए। हम सिर्फ यही बोले कि दादा कौन आया पहले, हम नहीं जानते। इतने पे वो लोग गाली देना चालू, और हाँ उसके बाद वो लोग गए वहाँ से बुलाकर 15-20 आदमी लेकर आए, और वो उन लोगों के साथ मिल के मेरे को थप्पड़ थप्पड़ दर्दने लगा, मारने लगा, और गाली वाली भी दी आप पर्सनल को। ये भी बोला कि ये पंप क्या तुम लोग बदल चल रहा है, हम लोग चलाते हैं। इतना इतना घटना हम लोग साथ है, आइंदा ये होता है, ये एक बार नहीं हो चुका है, इन लोगों के साथ पहले भी हो चुका है, इन लोगों के साथ भी। इसका इसका कोई कंप्लेन हुआ अभी तक? कोई ऐसे इशू नहीं हुआ है। आप कंपनी के जो मालिक है वेटरन का, वो उनका क्या कहना है? अभी तक सर से बात ही नहीं हुआ है, अभी सर से बात होगा तब कुछ हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। कितने से काम कर रहे हैं? 2 साल होने जा रहा है। देखा जा रहा हमेशा गुंडागर्दी होता है, जो स्टाफ काम करते हैं उसको मारा पीटा जाता है, जो मिलने भी गए उनको क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है, कल ही हमको वहाँ से जो वेटनर के जितने कर्मी हैं वो लोग फोन किए थे, वो शिकायत किए हैं तो वहाँ पर कुछ लोग जो है जबरदस्ती वेटनर पंप में आकर रात के समय में गुंडागर्दी करते हैं, और वहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ तक कि जो लड़कियाँ काम करती है उनको भी नहीं बख्शा जाता, उन पर भी हाथ लगा, उनको भी हाथ चला दिया जाता। तो ये सबसे पहली बात है कि जो भी हो वो किसी भी तबके का लोग हो बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से जो लोग गरीब परिवार के लोग जो वहाँ पर बेडरूम में आप काम करके अपना जीविका चलाते हैं उन पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे पहली बात है कि महामारी मानी से सरकार है, और कोई भी अगर सोचेगा कि इस तरह से जुल्म करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसकी शिकायत आज हमारे जिला सभापति माननीय अभिजीत घटक से की है, और उनसे पूरा घटना विस्तारित बताया है। इस पर जो है हम लोग तुरंत एक्शन ले रहे हैं, और जो भी इस घटना को अंजाम देगा उस पर हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, और प्रशासन को इसके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं, और हम लोग देख नज़र रखेंगे कि आइंदा से वेटनर पेट्रोल पर के जो कर्मी हैं उन पर किसी तरह का कोई जुल्म ना हो। और यह अगर कोई ऐसा अगर जुल्म करता है तो वो भूल जाए, उनको सोचना होगा कि यहाँ मामा डी में उसकी सरकार है, अगर किसी तरह का कोई भी अगर किसी पर जाके कहीं पर कोई गुंडाई करेगा या उस पर जुल्म करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको उसका ठीक जवाब मिलेगा। राजू वाले INTTUC नेता असल सर।